बसंत रुत दा आगाज होया है, सचे पातशाह जी महाराज दे महान पवित्र स्थान तख्त साहब दे उपर बसंत राग दी प्रारंभता हुई है। ये साध संगत जी, प्रकृति विच तब्दीली आउंदी है। जदों बसंत रुत आउंदी है, प्रकृति एक बहुत नवे तरीके नाल प्रफुल्लित हुंदी है। फुल खिड़दे है, धरती जिहड़ी है वह हरियावलता नाल मौल उठती है। जिवें कहा कि मौली धरती मौलिया आकाश, धरती भी उदों साध संगत जी हरियावलता नाल मौल पैंदी है, फुल खिड़ पैंदे है। रितु सुखावी होण करके आकाश भी खिड़िया होया प्रतीत हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा, महा माह ममारखी चढ़िया सदा बसंत। बसंत रुत खुशी दी रुत मन्नी है, खेड़े दी रुत मन्नी है। महाराज कहिंदे वेख, प्रकृति दे विच ते बसंत दा महीना चढ़ पिया है, पर तेरे अंदर कदों बसंत दा महीना चढ़ना है? तेरे अंदर तां सोका ही पिया पिया बेमुखताई दा। नास्तक पुणे दियां उत्थे तां सुकियां हवावां ही चली जांदियां। बंजर हो गई तेरी रिदे रूपी धरती, उत्थे सुभ गुणा रूपी फुल नहीं वेख खिड़ रहे। बार प्रकृति दे विच वेख हरियावलता मौल उठी है, बार फुल खिड़ गए है। सिख्या लै लै आप दे अंदर भी, ये बसंत रितु दा आगाज कर लै। महाराज कि मेरे अंदर बसंत रुत किवें लगे? महाराज कहा, महा माह ममारखी चढ़िया सदा बसंत। जे सदा ही बसंत चढ़ाउणा चाहुंदा है तां फिर पड़ फड़ चित समाल सोए, प्रफुल्लत हो जा। परफड़ दा अर्थ है प्रफुल्लत हो जा। किवें महाराज? समाल सोए, उहनूं हिरदे अंदर समाल चेते कर, फिर की होवेगा? महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे, चढ़िया सदा बसंत चढ़ जावेगी। सदा सदा गोबिंद, सदा सदा पृथ्वी दे पालक नूं चेते कर। तेरे अंदरों भी जेठ ते काम दियां जिहड़ियां हाड़ दे गर्मी पै रही है ना, वकारां दी तपश बतीत हो जावेगी। सदा सदा लई बसंत रुत दा आगाज हो जावेगा। तेरे अंदर सत संतोख रूपी सुभ फुल खिड़ पहनगे। सचे पातशाह जी महाराज दे प्यार दी रितु आ जावेगी। जिवें साध संगत जी सुखामी रुत करके, एक कुदरती सारी प्रक्रिया है। शरीरां ते मास भी नवा आ जांदा, पहला मास उतर के नवा मास आ जांदा। ते साध संगत जी कईयां दे उह प्रतीत भी हो जांदा ते कईयां दे प्रतीत नहीं भी हुंदा। पर सारा कुछ ही रुखां दे उत्ते भी पत्ते नवे आउण लग पैंदे है, फुल नवे खिड़न लग पैंदे है, सारी धरत ही सरसबज दिसण लग पैंदी है। सचे पातशाह जी कहिंदे, जदों तों वाहिगुरु दी प्यार दी बसंत रुत नूं अंदर प्रगट कर लिया ना, तेरे अंदर भी सारा सतगुरु जी कहिंदे प्यार नाल सरसबज हो जावेगा। तेरे नेत्र तर हो जाणगे, तेरी रसना तर हो जावेगी वाहिगुरु दे प्यार रस नाल। इउं बसंत रुत जिहड़ी है, इह साध संगत जी सानूं संकेत दिंदी है। सचे पातशाह जी महाराज बाणी विच इस रुत नूं महाराज ने लै करके बहुत सतगुरु जी ने आत्मक उपदेश बख्शिश कीता कि ऐ गुरसिखो, बसंत रुत इन्नी सुखामी हुंदी है, इहदे विच जिथे तब्दीली आउंदी है ना कुदरती तौर ते, साडे शरीर विच तब्दीली आउंदी है, ते साध संगत जी प्रकृति दे विच भी तब्दीली आउंदी है। जे सतगुरु जी दे चरणां नाल महाराज कहिंदे तूं जुड़ जाएगा ना, ते तेरे विचारां च भी तब्दीली आ जाएगी। जिहड़ा तेरा मन कामी क्रोधी होया हटदा ही नहीं, इहदे विच भी तब्दीली आ जाएगी जे तूं गुरु साहिब दे शब्द दी बसंत रुत नूं अपने अंदर प्रगट कर लेंगा। क्योंकि ये सुभा हुंदे है, ये साध संगत जी हटदे नहीं, जिहड़ियां आदतां पैंदियां जांदियां नहीं, पर जदों प्रकृति ही नाल सहायता करदी है, कुदरत सहायता करदी है, उदों ही साध संगत जी फल प्राप्त हो जांदा है। ये कुदरती है, किसे मनुख दा नहीं बनाया होया, ये रब्बी कानून है। जदों बाहर सब कुछ तब्दील हो रहा हुंदा है, शरीर तब्दील हो रहा हुंदा है, महाराज कहिंदे जे तूं शब्द नाल जुड़ेगा तेरा मन भी तब्दील हो जाएगा।
ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਤੂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਮੌਲ ਪਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।